से आपको टारगेट बनाना है, वो टारगेट टाइम में कंप्लीट करना है। किसान खेत में खेती करता है, कितना काम करता है, अभ्यास करना उतनी मेहनत है क्या? जोर से बोलो तो मजा आएगा। मजूर धूप क्या छाव क्या बारिश कितना काम करता है, हा? हमारी मेहनत उतनी है? हमें सिर्फ पढ़ना है, हमें सिर्फ बैठ के पढ़ना है, उसके लिए हमें क्या करना, हमारी नींद अच्छी होना चाहिए। हाँ, हमारी नींद क्या करना, अभ्यास के पहले अगर अपन उठते उनको अभ्यास करना, तो दोपहर में एक घंटा सो लो ना, तो शाम में पढ़ेंगे तो नींद नहीं आएगी, रात में अच्छी नींद लो। तो नींद अगर हम पहले ले लेते तो पुस्तक पढ़ते समय नींद नहीं आएगी। हमें अभ्यास करना है, कॉन्सेंट्रेशन से अभ्यास करना है। हम कबीर कबीर बोलते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। कबीर बोलते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मानी सीचे सौ रहा ऋतु आए फल। जब ऋतु आएंगे आम के झाड़ को जितना भी पानी ले लो, ऋतु जब आएंगे जब फल मिलेंगे। तो हमें अभ्यास करते रहना है, हमें हमारे मेहनत का फल जरूर मिलेगा, समय आने पे मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इसलिए रास्ता सबको सक्सेस का मिलेगा, सिर्फ जरूरत है हमारे मेहनत की, हमारे कॉन्सेंट्रेशन की, हमारे जिद की। अरे याद करो वो हमारे जो पिता है होते हैं, माता पिता होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, छोटे से बड़ा करते हैं। खुद को अगर दुख हो तो भी चल जाता, खुद जैसे इनामदार साहब ने बताया गीले जगह पे सो जाते हैं और बच्चे को तबियत में खराब होना इसलिए सूखी जगह पे सुलाते हैं। हमें उनको उनका विचार करो, हम वो क्या सोचते हैं, उनकी उनकी जो विचार है, उनकी जो सोच है उसको हमें पूरा करना, उनकी जो इच्छा है उसे पूरा करना है, इसलिए हमें अभ्यास करना है। हमें ये जो टाइम है ये क्रूशियल टाइम है, संधि का सोना करना है। अगर आज का दिन चलेगा कभी वापस नहीं आएगा, आज का क्षण कभी वापस नहीं आएगा, अकाउंट भविष्य रहना है तो हमें मेहनत ही करना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ बोलते हैं कि यार ये तो कर नहीं सकती, ये पास नहीं हो सकती, ये पास नहीं हो सकता, ये अच्छे गुण नहीं मिला सकता, ये तो ये क्या दसवीं बारहवीं बस इसके लिए। अरे उनकी सोच को बदलना है, इसलिए आपको यहाँ का बेस पक्का करना। अगर आप आपका बेस पक्का करेंगे तो उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा और आप लाइफ में सक्सेस होंगे, खुश तो बन पाएंगे और अच्छे बड़े पद पे जा पाएंगे। आखिर में मैं एक कविता बोलना चाहता हूँ जो बोलती है कि जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए पूरा वेरी गुड वेरी गुड। आज तक जो मिला है वो तो सिर्फ नमूना है, आज तक जो मिला है वो तो सफर नमूना है, चलते ही रहना है क्योंकि अभी मंजिल सफर। वेरी गुड, इतने बोल के बात में दो शब्द समाप्त कर दें। धन्यवाद। Being a wonderful audience. Thank you and have a wonderful day.